उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बच्चा चोरी के शक में लोगों ने एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में एक आदमी सड़क पर बैठा दिखाई दिया, उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा थी। इतने में एक महिला ने आदमी को चप्पल से मारा, तभी दूसरी महिला ने भी उस पर चप्पल चलाई। इतने में तीसरी महिला आई, उसने तो बाल पकड़कर थप्पड़ बरसाना शुरू कर दिया। भीड़ में मौजूद एक बच्ची ने भी आदमी पर चप्पल बरसाए। इस दौरान आसपास के लोग तमाशबीन बने रहे। भीड़ में मौजूद एक आदमी ने पूरी घटना को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक आदमी मानिकपुर स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने आया था, उसने आरोप लगाया कि आदमी ने उसकी 7 साल की बेटी का अपहरण करने की कोशिश की। तभी बच्ची ने शोर मचाना शुरू कर दिया और लोगों ने उस आदमी को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और घटना की जांच कर रही है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन को हथियारों की मदद करने के बाद ब्रिटेन खुद खतरे में पड़ गया है। बताया गया कि ब्रिटेन की सेना में एंटी टैंक मिसाइलों की कमी हो गई है, क्योंकि उसने भारी संख्या में मिसाइलें यूक्रेन को भेज दी। इन्हीं के दम पर जेलेंस्की के जवान जंग में रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा करते आए हैं, लेकिन अब जब ब्रिटेन के पास ही इनकी कमी हो गई तो उसके ऊपर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि पुतिन पहले ही यूक्रेन को हथियारों की मदद करने वाले देशों को धमकी दे चुके हैं। मतलब अगर सच में पुतिन ने पश्चिमी देशों पर कहर बरपाने की ठान ली तो ब्रिटेन मुसीबत में पड़ सकता है। दावा है कि ब्रिटेन ने 7,000 के करीब एंटी टैंक मिसाइलें यूक्रेन को भेजी हैं। असल में जंग शुरू होने के बाद से ब्रिटेन लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करता आया है, लेकिन खबर है कि इसी वजह से वो खुद मुसीबत में पड़ गया है। अब ब्रिटेन को जल्द से जल्द अपनी सेना को हथियारों से लैस करना होगा।